संवारे तू ही बिगाड़े तू ही संवारे तू ही बिगाड़े तू ही संवारे तू ही बिगाड़े तू ही संवारे इस जग के सारे जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सदगुरु देव की जय ओ Oh.
Thank you.
Bye-bye.
महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गंगा प्रिय और मेरे अभिन्न स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, परमार्थ सेवा समिति के द्वारा आयोजित इस पंच दिवसीय हनुमत चरित्र कथा में राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों से यहां पर पधारे हुए सत्संग प्रेमी आप सभी भाई बहन और संस्कार चैनल के माध्यम से इस सत्संग का अपने अपने घरों में बैठ करके लाभ प्राप्त कर रहे सभी कथा प्रेमी बंधुओं सभी को सादर प्रणाम करते हुए आप सभी को जय सियाराम और हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामना। परमार्थ निकेतन के मां भगवती भागीरथी के पावन तट पर बने हुए घाट पर भक्ति मार्ग में दास्य भक्ति के आचार्य राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज के पावन भव्य श्री विग्रह का आज अनावरण हुआ। वास्तव में परमार्थ पथ पर चलना हमें श्री हनुमान जी सिखाते हैं। परमार्थ पथ पर चलने का मतलब ही है श्री राम के पथ पर चलना, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा कही नित नेति निरूप ही वेदा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा। परमार्थ की आराधना, राम की आराधना। राम परब्रह्म है, परमार्थ रूप है और परमार्थ के घाट पर परमार्थ सेवा समिति के द्वारा यहां पर उस परमार्थ पथ पर निरंतर अग्रसर और परमार्थ पथ पर सभी को चलने की प्रेरणा देने वाले समर्पण के आचार्य दास्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज के पावन श्री विग्रह का स्थापन दर्शन आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पर हम सभी के लिए बहुत प्रेरणाप्रद है। भाई श्री सुमन जैन और श्रीमती बहन निशा जैन के सहयोग से इस दिव्य मूर्ति का यहां पर स्थापन हुआ। इसके पूर्व भी
तीर्थ विकास व्रज विकास चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में जब श्री वृंदावन में गत सितंबर में कथा का आयोजन हुआ था, तो वहाँ व्रज चौरासी क्षेत्र में जितने भी स्थान हैं श्री कृष्ण लीला से संबंधित, उन सभी स्थानों का भी पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार, नवनिर्माण करने का शुभ कार्य व्रज विकास ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है, और उसमें भी प्रेम सरोवर का जो जीर्णोद्धार हुआ वो इसी परिवार के द्वारा हुआ है, और हमने वहां पर वो कृष्णार्पण किया था। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे परमार्थ पथ पर चलते हुए, श्री राम के मार्ग का अनुसरण करते हुए, नीति पूर्वक संपत्ति अर्जित करते हुए, फिर उस संपत्ति के कुछ हिस्से को परमार्थ में लगाएं और निरंतर उनके द्वारा राम सेवा चलती रहे। व्यासपीठ से बहुत बहुत उस परिवार के लिए आशीर्वाद और हृदय की बहुत बहुत शुभकामना। आइए श्री हनुमान जी के चरित्र के साथ जुड़ें। आप जानते हैं नवधा भक्ति है। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान श्री राम शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। वैसे उस प्रकरण को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो नवधा भक्ति का उपदेश नहीं है, क्योंकि नवधा भक्ति नवों प्रकार की भक्ति शबरी में है ही है। क्योंकि नवधा भक्ति की चर्चा करने के उपरांत भगवान श्री राम ने यह कहा है, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, हे शबरी आप में तो नवों प्रकार की भक्ति विद्यमान। नौ में से एक प्रकार की भक्ति भी जिस प्राणी में होती है, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, हे भामिनी वह मुझे अतिशय प्रिय है, तो तुम्हारी क्या बात करूं, तुम्हारे में तो वो नवो प्रकार की भक्ति विद्यमान है। ऐसा कहकर के भगवान श्री राम ने शबरी जी का मानो स्तवन किया है, शबरी जी की स्तुति करी, बखान किया। क्यों करना पड़ा? क्योंकि शबरी जी ने श्री राम से कहा था कि प्रभो मैं तो अधम अति अधम, अधम अति नारी, तिन मह मैं मतिमंद अघारी, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी, मैं तो अधम में भी अधम नारी हूं, पाप रूप हूं, संपत्ति तो नहीं है मेरे पास, लेकिन करुणा यह है कि मेरे पास शब्द भी नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, हे नाथ किस प्रकार मैं आपकी स्तुति करूं। ये कहते ही शबरी के नयन बरस पड़े। शबरी के उस भाव को देखकर राघव बोले कि माई तू नहीं पढ़ी है, हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हम तो वशिष्ठ जी के पास पढ़े, हमारे पास बहुत शब्द है, चल हम इन शब्द सुमनों से तुम्हारी पूजा कर लें। और भगवान ने नवधा भक्ति कहूं तो ही प्राही कहकर के नवधा भक्ति की चर्चा करी। यह वास्तव में श्री राम जी के द्वारा शबरी की हुई स्तुति है। स्तुति प्रियो विष्णु, भगवान स्तुति प्रिय है। इसका मतलब ये नहीं कि भक्तों की स्तुति भगवान को बहुत प्रिय है, भक्तों की स्तुति प्रिय है भगवान को, हां, लेकिन उसके दो अर्थ हो सकते हैं, भक्तों के द्वारा की गई स्तुति
ये भी भगवान को प्रिय है, क्योंकि उसमें भगवान के यथार्थ गुणों का वर्णन किया जाता है। स्तुति और चापलूसी में अंतर है। चापलूसी में उन गुणों का बखान किया जाता है जो अगले में नहीं होते, और स्तुति का मतलब है जो अगले में यथार्थ है गुण, अगले में रहे हुए गुणों का वर्णन, उसका गायन। चापलूसी तो स्वार्थवश होती है, स्तुति स्नेहवश होती है। तो भगवान भक्तों के द्वारा की गई स्तुति से भी प्रसन्न होते हैं, भगवान को बहुत प्रिय है वो। लेकिन इसका मतलब ये भी होता है, भक्तों की स्तुति यानी भक्तों की स्तुति भगवान को खुद को करना भी अच्छा लगता है। स्तुति प्रियो विष्णु, कभी हनुमान की स्तुति में लग जाते हैं राम। चारों भैया बैठे हैं, श्री राम वक्ता हैं, तीनों भाई श्रोता है, और श्री राम वक्ता बनकर के हनुमत चरित्र का वर्णन करते हैं। हनुमान के उपकार, हनुमान की वीरता, हनुमान जी का दार्क्ष्य, हनुमान जी का धैर्य, उनकी वाक्पटुता इत्यादि बातों का बखान करते हैं भगवान श्री राम। तो यहां पर शबरी की स्तुति करिए। आप अरण्यकांड के अंत में देखते हैं भगवान ने संतों के गुणों का बखान किया। संतों की स्तुति, तो संतों के द्वारा भगवान की स्तुति होती है ये तो ठीक है, लेकिन भगवान भी संतों की, अपने भक्तों की, अपने प्यारों की स्तुति करने लगते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने लाला के एक एक चरित्रों का बखान करती है, वो कैसा चतुर हो गया है, और कैसा कि वो तूफानी थी गयो, क्या क्या पराक्रम करता है, वो सब माँ बड़े प्रेम से अपनी पड़ोसन को या घर पे आए हुए मेहमान को सुनाती है। अरे क्या बताऊं, इतना होशियार हो गया है, सब समझता है। जिस भाव से माँ ये करती है, बस उसी भाव से भगवान राम कभी हनुमान जी की स्तुति, कभी शबरी की स्तुति करते लगते हैं। तो रामचरितमानस में भी नवदा भक्ति की बात है, और श्रीमद् भागवत में भी नवदा भक्ति का वर्णन है, और उसका जो क्रम है, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ प्रकार है भक्ति। वैसे तो भक्त, प्रायः सभी भक्त इन नवों प्रकार की भक्ति करते ही हैं, लेकिन सभी डॉक्टर कहलाते हैं तदपि कई डॉक्टर्स की किन्हीं किन्हीं बातों में विशेष अनुकूल कुशलता पाई जाती है। ये ENT स्पेशलिस्ट है, ये गायनेकोलॉजिस्ट है, ये नेफ्रोलॉजिस्ट है, ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये यूरोलॉजिस्ट है, सबकी अलग अलग स्पेशलिटी होती है। बस उसी प्रकार इन नवों प्रकार में भगवान के जितने भी भक्त हुए उनमें से किसी किसी की कोई स्पेशलिटी है, कोई विशेषता। कीर्तन भक्ति में किसी की विशेषता है, श्रवण भक्ति में किसी की विशेषता है, तो उसमें कौन कौन आचार्य है उस भक्ति के, उसका एक श्लोक है बड़ा प्यारा, आप सुने। श्री विष्णो श्रवणे परीक्षित भवत्, श्री विष्णो श्रवणे परीक्षित अभवत् वैयास कीर्तने, श्री विष्णो श्रवणे परीक्षित भवत् वैयास कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु
पूजने अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येथ अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येथ सख्येऽर्जुनः सख्येऽर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिः अभूत् कृष्णाप्तिरेषां परम् श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षित अभवत्। पहली भक्ति श्रवणम्। श्रवण में आचार्य हुए परीक्षित। भगवान की श्रवण भक्ति यदि करना हो तो महाराज परीक्षित की भांति करना चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी सब कुछ छोड़कर बैठ गए श्री गंगा जी के तट पर। जंगल में गए, सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान किया, गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए। राजपाट, सांसारिक जंजाल आदि से तो मुक्त हुए, वर्ण ग्रह का रज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। मुंबई में रह करके कथा सुनोगे और उस कर्ण पिशाचिनी को तो आप साथ में ही लेकर घूमते हो। उसको हमारे एक महात्मा कर्ण पिशाचिनी कहते मोबाइल को। आप कितने उदार हो यार, जहां कहीं बैठे हो दूसरों को डिस्टर्ब करने की पूरी अनुमति दे देते हो कि हमें कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है। वी आर अवेलेबल एनी टाइम यू कैन डिस्टर्ब। और एक फोन आ जाता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और आप तुरंत आइए, तुरंत। कथा तो पूरी पूरी सुनने की इच्छा थी लेकिन अब क्या करें, संसार से संबंधित बातें और फिर फर्ज भी बनता है भाई, जाना पड़ता है। परीक्षित जी ने सब कुछ छोड़ा, जंगल में गए, गंगा जी के तट पर। आसपास सेवक सचिव कोई नहीं, यहां तक खाना पीना भी छोड़ दिया कि बहुत खाया पिया है, अब उसमें भी समय जाया नहीं करना। और बड़ी दीनता के साथ भगवान की कथा के लिए कथा हो रही है आज, माफ करना, कथा के लिए कथा ही नहीं हो रही है। कभी कभी वक्ता और कभी कभी आयोजक, सभी का उद्देश्य कभी कुछ और हो जाता है, भगवान की कथा गौण हो जाती है। यहां पर केवल कथा के लिए कथा, भगवान की कथा ही प्रधान है। और क्या श्रवण किया है महाराज परीक्षित, बहुत जिज्ञासा के साथ और पूरी दीनता को लेकर महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं। चौथे दिन की जब संध्या होने जा रही थी गंगा जी के तट पर, तो सुखदेव जी ने कहना भी पड़ा, आज चौथे दिन की संध्या होने जा रही है, तुमने कुछ खाया नहीं पिया नहीं। राजा, यदि भूख और प्यास सता रहे हो, मैं कुछ समय के लिए कथा को विराम दूं, तुम कुछ खा लो, फलाहार ले लो, फल ले लो, दूध ले लो। बोले महाराज बहुत खाया पिया, जिंदगी उसी में गई, दुनिया में जितने भूखे नहीं मरते उतने खाकर मरते, ये हकीकत है, ज्यादा खाकर लोग मरते।
अब तो शेष जीवन जो रहा है उसमें भगवान की कथा ही सुनना। और तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा की उस कथा श्रवण में प्रीति को, निष्ठा को देखकर कहना पड़ा सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायान्ते यज्जाता नैष्ठिकीरति। हे राजर्षि सत्तम, राजर्षि श्रेष्ठ, राजर्षियों में भी श्रेष्ठ। और साहब ये बोलने वाले सुखदेव जी है, चापलूसी ऐसी वैसी किसी की चापलूसी करने वाले ये महापुरुष नहीं है। बहुत सोच समझ कर के ये एक एक शब्द बोलते हैं। परीक्षित को राजर्षि सत्तम कहना सुखदेव जैसे परमहंस के द्वारा, सुखदेव जी को उनसे कुछ चाहिए नहीं था, चापलूसी नहीं कर रहे हैं। हे राजर्षि सत्तम सम्यक व्यवसिता बुद्धि वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति ही, भगवान की कथा में तुमको नैष्ठिकी रति हुई है। बड़ी दीनता के साथ जिज्ञासा से प्रश्न पूछ रहे हैं। भूमिका है मुमुक्षु की और भगवान की कथा ही प्रधान है। इतनी बातें परीक्षित जी और श्रवण बहुत आदर के साथ कर रहे हैं। तो श्रवण भक्ति में आचार्य हैं महाराज परीक्षित। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैयास कीर्तने। भगवान की कथा का गायन कैसे करना चाहिए, भगवान के गुण नाम और लीलाओं का संकीर्तन कैसे करना चाहिए, वक्ता को कैसा होना चाहिए, उसमें वैयास की ही श्री सुखदेव जी आचार्य, वे आदर्श। सुखदेव जैसा वक्ता नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत में वो वक्ता के लक्षण बताए हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। ऐसे महापुरुष श्री सुखदेव जी, वे कीर्तन भक्ति में आचार्य हैं, श्रेष्ठ हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम, तीसरी भक्ति है स्मरण। स्मरण भक्ति कैसे करना चाहिए, तो प्रहलाद स्मरणे, प्रहलाद की तरह भगवान के स्मरण की भक्ति में श्री प्रहलाद जी आचार्य। सुमिरन ऐसा कीजिए कि खरे निशाने चूक, एकाग्र मन से तन्मय होकर। कैसी भगवान में दृष्टि है, क्या निष्ठा है प्रहलाद जी की। न उन्हें सांप दिखते हैं जिसके बीच में बाप ने फेंकवाया, न उनको हाथी दिखता है जिसके पैरों तले हिरण्यकशिपु प्रहलाद को रौंद कर मरवाने का प्रयास कर रहा है, न वो अग्नि दिख रही है, न गरम किया हुआ लोहे का स्तंभ दिख रहा है। उन्हें सब जगह भगवान ही दिखाई पड़ रहा है। स्मरण ऐसा हो कि विस्मरण हो ही नहीं। इसलिए वास्तव में ये कहते हैं कि जब तक याद करना पड़े तब तक समझो प्रेम नहीं हुआ, जब विस्मृति के लिए प्रयास करना पड़े, भूलने का प्रयास करना पड़े, फिर भी तुम भूल न पाओ तब समझो अब प्रेम हुआ। गोपियां कृष्ण को याद नहीं करती, याद तो बनी रहती है। गोपियां प्रयत्न भी करती हैं तो श्री कृष्ण को भूलने का, और उस प्रयत्न में गोपियां निष्फल हो जाती हैं। कृष्ण को भूलने के प्रयास में जितना भूलने का प्रयास करे कृष्ण की याद और आए। स्मरण ऐसा
एक प्रेमिका अभिसारिका अपने प्रियतम से मिलने जा रही थी। समय दिया हुआ था, स्थान का संकेत किया हुआ था, ये थोड़ी विलंब से निकल पाई थी। थोड़ा मन में ये भी है कि वो कहीं चला न गया हो मेरी प्रतीक्षा करते करते, या तो वो इंतजार कर रहा है तो कहीं झगड़ा न करे कि इतनी लेट क्यों हुई, और अपने प्रियतम से मिले बगैर रह नहीं पाती। किसी तरह किसी बहाने वो निकली, चलने में वेग है, कहीं कोई फकीर नमाज अदा कर रहा था, कपड़ा बिछा हुआ है, बैठा है, खुदा ताला की नमाज। और ऐसे में वह अभिसारिका वहां से निकली तो उस फकीर के नमाज के लिए बिछाए हुए कपड़े पर उसका पांव पड़ गया, तो फकीर ने बड़ा गुस्सा किया, बदतमीज औरत देख नहीं रही है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं नमाज अदा कर रहा हूं, मैं बंदगी कर रहा हूं, और तूने मेरे इस कपड़े पर पांव रखा। उस औरत ने फकीर से क्षमा मांगी, लेकिन फकीर ने बहुत क्रोध किया, मैं बंदगी कर रहा हूं खुदा ताला की, और तूने इस पवित्र वस्त्र पर अपना पांव रखा, भान नहीं है, विवेक नहीं है, बदतमीज हो औरत। जब फकीर बहुत बोलने लगा तो उस औरत ने कहा कि क्षमा करना, मैं तो अपने प्रियतम में इतनी तन्मय भागी जा रही हूं उससे मिलने के लिए, विलंब से निकल पाई हूं, मुझे पता नहीं रहा मेरा पांव कहाँ पड़ा, लेकिन तू अपने बंदगी कैसी कर रहा है खुदा ताला की, तू बंदगी कर रहा है कि तुझे ये ध्यान रख रहा है किसका पांव कहाँ पड़ रहा है, तुझको पता है कि मेरा पांव यहां पड़ा, मुझे पता नहीं है। तुम अभी डूबे नहीं हो फकीर। जितनी वह अभिसारिका डूबी थी अपने प्रियतम में, उतना वह फकीर डूबा नहीं था। उस स्मरण में जो डूबा तो उसको कहां पता रहता, उसको कहीं कोई डिस्टर्बेंस लगता ही नहीं। प्रहलाद स्मरण, स्मरण भक्ति में प्रहलाद जी आचार्य। फिर पाद सेवनम, आगे वाली भक्ति, भगवान के चरणों की पूजा। तदंग्रि भजने लक्ष्मी ही, भगवान के चरणों की पूजा, पाद सेवन, इस भक्ति में श्री लक्ष्मी जी आचार्या है। भगवान के चरणों की पूजा श्री लक्ष्मी जी की भांति करें। श्री विष्णु प्रिया है, वे अपने हृदय में लक्ष्मी को रखते हैं। देखो ये हमारी परंपरा रही कि पति हमेशा पत्नी को सखी मानता है, अब से अपनी सबसे श्रेष्ठ मित्र मानता है, और फ्रेंडशिप होनी चाहिए पति पत्नी में, एक अच्छी फ्रेंडशिप ना डेवलप हो तो दाम्पत्य कमजोर होता है। सखी है, और पति के हृदय में पत्नी का स्थान है। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसी, वागीशा सरस्वती जिनके वदन में है और लक्ष्मी जिनके वक्ष में है। लेकिन हमारे यहां यह परंपरा रही कि पत्नी पति के चरणों में वंदन करती। प्राय प्रथम मिलन में यही देखते हैं कि वो पांव छू रही है और ये उठा करके उसको हृदय से लगा रहा है। यह अच्छी परंपरा, पत्नी चरण में रहना चाहती और पति उसको कहता है नहीं, तू भले ही माने चरण की दासी, ये तो तेरा प्रेम है, लेकिन मैं
अपने हृदय की महारानी तुझे मानता हूं और अपने हृदय से लगाता तो लक्ष्मी यस्य च वक्षसी, लक्ष्मी जी जिनके वक्ष में चरण सेवा में जिसकी बहुत रुचि हो वह पत्नी हृदय सिंहासन की, पति के हृदय सिंहासन की महारानी बन ही जाती है। तो भगवान उसको हृदय में स्थान दिए हैं, लेकिन लक्ष्मी जी भगवान के चरण में रहना चाहती है, वे सदा भगवान के चरण की पूजा करती रहती। इसका एक गूढ़ तात्पर्य यदि हम देखें तो यह भी होता है कि पत्नी पति के चरण की आचरण की पूजा करती है। पति का आचरण ऐसा होना चाहिए कि पत्नी को उसमें अनुराग होए, प्रेम होए। पत्नी तो पति को देव माने, नारी धर्म पति देव न दूजा, लेकिन साहब क्लब में ही घूमते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी पीते रहते हैं, जैसा तैसा जीवन है। ऐसे नहीं, पत्नी पति के चरण की पूजा करे, इसका मतलब पति के आचरण की पूजा करे, पति का आचरण ऐसा हो। मैंने ऐसी कई सौभाग्यवती देवियों को देखा है जो अपने पति के लिए बहुत गौरव का अनुभव करती है, अपने सौभाग्य का बखान करती है कि इनकी अर्धांगिनी होने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत समझते हैं, मुझे बहुत संभालते हैं। और जहां पति पत्नी में वह संवादिता दिखे तो समझ लो कि श्री कृष्ण की बांसुरी और राधा के नुपुर की छनछन में एक संवादिता है। रास तब ही संभव है जब श्री कृष्ण की बांसुरी जिस लय में चल रही है, जिस सुर में बज रही है, राधा के पायलियां भी उसी लय में छनछन करें, दोनों में एक संवादिता है। सुर और लय दोनों मिलकर के एक भाव की सृष्टि को जन्म देते हैं, अद्भुत संगीत प्रकट होता है। तो तदंग्री भजने लक्ष्मी ही, भगवान के चरण की सेवा में लक्ष्मी जी आचार्या हैं। नवदा भक्ति में दो भक्ति ऐसी है कि जो करने में जीव स्वतंत्र नहीं है। सात प्रकार की भक्ति स्वतंत्र रूप से जीव कर सकता है, लेकिन दो प्रकार की भक्ति ऐसी है जिसको भगवान अधिकार दें वे लोग ही कर सकते हैं। एक है पाद सेवनम, चरण सेवा, और दूसरी सख्यम, सख्य भक्ति। क्योंकि सख्य में भगवान के समान हो जाना होता है, और जीव स्वयं चल करके भगवान के समान हो जाए, भगवान की बराबरी के आसन पर बैठ जाए, यह अधिकार जीव के पास नहीं है। जीव को तो भगवान के चरण में ही बैठना चाहिए। सुदाम देव जाते हैं तो भगवान के चरण में ही वे गिर पड़ते हैं, ये भगवान ही है कि सुदामा को उठाते हैं, अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। क्योंकि सख्य भक्ति में तो ये होता है, सख्य भक्ति में तुम प्रणाम थोड़ी करते हो, सख्य भक्ति में तो तुम गले में हाथ डालते हो, चरण थोड़ी ना छूते हो, तुम पीठ पे धब्बा लगाते हो, क्या है यार। सख्य भक्ति में तुम चरण में थोड़ी बैठते हो, जहां सख्य का भाव होता है तो उसको थोड़ा सा हट यार, थोड़ी जगह कर हमारे लिए। सख्य में यह अधिकार है, बराबरी की बात है, और जीव में भगवान की बराबरी करने की योग्यता क्षमता, वह अधिकार जीव के पास नहीं है। भगवान यदि दे तब ही वह सख्य भक्ति कर सकता है, नहीं तो दास्य भक्ति ही उचित है। कृष्ण तवास्मि दासोहम, श्री सुदाम देव दास्य भाव से ही गए,
भगवान श्री कृष्ण ने सुदाम देव को उठाया है, अपने हृदय से लगाया है, अपने आसन पर बिठाया। और पाद सेवन, भगवान के चरण की पूजा का अधिकार भी जिसको मिले वही कर सकता। पुष्टि परंपरा में एक मर्यादा है कि आचार्य महापुरुष के चरण का स्पर्श भी करना है तो पहले उनसे आज्ञा लिया जाना कि चरण स्पर्श की आज्ञा है जय जय, और वे यदि हां कहें, वे अनुमति दें, तब ही आप चरण स्पर्श कर सकते हो। हमारी तो भक्ति इतनी ज्यादा गंगा में बाढ़ की भांति कि चाहे जितने कार्यकर्ता संभाल रहे हो तब भी कार्यकर्ताओं की टांगों के बीच में से निकल करके चरण छूते हैं, महाराज जी पाए लागू। एक जगह तो हम बैठे थे तो एक आकर के सीधे ही चरण दबाने, अरे हमने कहा भाई नहीं नहीं, बोले ना अरे नहीं नहीं क्या वो चरण सेवा, आप बैठे रहिए आपको आनंद आएगा। मैंने कहा मुझे आनंद नहीं आ रहा, गुदगुदी हो रही है यार, तुम रहने दो। बोले नहीं आप बैठे रहिए, हमारा अधिकार बनता है भाई, आप महात्मा लोग हैं, हमको चरण सेवा का। मैंने कहा अधिकार नहीं बनता, देख देवता जिसको दिया जाए अधिकार वही कर सकता है, नहीं तो कोई भी आकर के टांग खींच लेगा। ये भी कोई बात हुई, और मुझे आज भी वो महानुभाव याद है, उन्होंने जबरदस्ती टांग खींची, हम पालथी लगा के बैठ गए तो उन्होंने पकड़ करके नीचे किया। बोले ऐसा कैसे चलेगा, तो वाह दास्य भक्ति का दबंग नहीं चरण सेवा की भक्ति, पाद सेवन भक्ति का दबंग आदमी, पाद सेवन में ऐसी गुंडागिरी कमाल है। बोले नहीं नहीं ये तो करने देना पड़ेगा, आप महात्मा लोग हैं इसलिए तो है हम ना। पाद सेवन और सख्य, ये दो भक्ति ऐसी है जिसको अधिकार दिया जाए सेव्य के द्वारा, वही सेवक ये दो भक्ति कर सकता। श्री लक्ष्मी जी को भगवान के चरण की सेवा की भक्ति मिली, वह अधिकार मिला। तदंग्रि भजने लक्ष्मी ही, फिर आगे वाली बात, अर्चनम, अर्चन भक्ति के आचार्य है पृथु भग, पृथु महाराज, पृथु पूजने। कथा तो ऐसी है कि भगवान स्वयं अपने अंश से पृथु बनकर के प्रकट हुए हैं। देखो स्वयं भगवान पृथु बनकर के प्रकट हुए हैं, पृथु भगवान का ही अंश है, लेकिन पृथु ने राजा का धर्म क्या है वो संसार को समझाया, शासन व्यवस्था कैसा होना चाहिए वो संसार को समझाया, और फिर यज्ञ द्वारा भगवान के पूजन अर्चन खुद किया, प्रजा को भी इस प्रकार के संस्कार दिए। अब जो राजा करेगा तो प्रजा भी करेगी, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवे तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो पूजन में, अर्चन भक्ति में श्री पृथुजी आचार्य। वंदनम्, अक्रूरस्त्वभिवंदने, अक्रूरः तु अभिवंदने। भगवान वंदन कैसा करना चाहिए, भगवान को कैसे करना चाहिए, ये अक्रूर जी से कोई सीखे। वंदन यह केवल शरीर की क्रिया नहीं है कि दो हाथ इकट्ठे कर लिए और माथा झुका लिया। अब कहीं कहीं तो शरीर की यह क्रिया भी वंदन की ठीक से करना लोगों को आता नहीं, क्यों महाराज, बॉडी लैंग्वेज देखना उन्हें, जय श्री कृष्ण महाराज, या तो पायल आ गई महाराज, आंखों से आंखें मिला, पायल आ गई महाराज, लेकिन उसमें कहीं दीनता नहीं। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, पान चबाते हुए, सिगरेट का धुआं निकालते हुए प्रणाम करना महापुरुषों को, ऐसा अविवेक कई लोग करते, पान चबाते हुए वो मुंह में थूक जमा हुआ है, पिचकारी अभी मारी नहीं, और फिर तब झुके तब तो सीधा नीचे गिरे सब,
जैसे कटोरी से, और उसको रखना है बचा के, उसमें तंबाकू है, उसका नशा, और फिर जो वो बोलता है वो, अब आप कल्पना कर लो, हमसे ऐसे अभिनेता तो है नहीं कि उसकी स्टाइल करके बतावे, तब मुंह खुला, अंदर वो पूरा उसकी दृष्टि से अमृत भरा हुआ, झुक सकता नहीं, और तब वो प्रणाम करेगा और क्या बोलेगा, आप कल्पना कर लो। वंदन केवल शरीर की क्रिया नहीं, उसमें विवेक होना चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए, दैन्य होना चाहिए। अक्रूरस्त्वाभिवंदने, इस प्रकार ठाकुर जी को वंदन करना चाहिए, वंदन भक्ति श्री अक्रूर जी से सीखे। पर अब बात आई दास्य भक्ति, दास्यम कपिपतिर्दास्ये, दास्य भक्ति में यदि कोई आचार्य है तो कपिपति श्री हनुमान जी महाराज। बोलिए रामदूत हनुमान की जय। दो रूप है हनुमान जी के, आप जो मूर्ति देखते हैं हनुमान जी की, प्रतिमाएं जो देखते हैं, उनमें दो प्रकार की प्रतिमाएं, एक वीर हनुमान है और दूसरे दास्य हनुमान, दास हनुमान। राम जी के पास में जो बैठे हैं, सीताराम जी खड़े हैं पास में बैठे हैं हनुमान, वो दास हनुमान, उनका माथा नीचे, हाथ जोड़े हुए, पूरे पालथी मार करके नहीं भाई बैठ गए, एक पांव ऊपर, क्योंकि दास को तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, स्वामी कब कौन सा काम सौंप दे, और तुरंत एकदम अलर्ट। अब पालथी मार करके बैठ जाए और फिर स्वामी कोई काम सौंपे, ठीक है लाता हूं, और फिर यूं करके कोई आधार लेकर फिर खड़े होते। आप लोग बड़े बड़े स्वीट हो, हाँ मैं देखता रहता हूँ, रात में जो लोग मिलने आते हैं फिर उनको प्रणाम करने के लिए मना करे तब भी वो प्रणाम करे, तुम्हारी भक्ति तुम्हारा भाव गजब है। अब शरीर नहीं चल रहा है, साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी भाव है, प्रणाम करेंगे, झुकेंगे। अब फिर प्रायः और सुखी परिवार के लोगों को, जिनके हिलना डुलना तो ज़्यादा है नहीं, तो ये राजरोग बहुत होता है, जोड़ों का दर्द, घुटने, यहाँ से बड़ी समस्या। अब झुक तो गए, प्रणाम भी कर लिए, अब उठे कैसे, क्या आप लोग तपस्या करते हो, वाह प्रणाम आपको। अरे माई रहने दो रहने दो, आप ऐसे ही प्रणाम। अरे ऐसे कैसे चलेगा महाराज जी, प्रणाम बाकायदा करके, और फिर अब हमको आदत रही झूले पर बैठने की, उनको उठने के लिए कोई आधार चाहिए तो बिल्कुल, या तो हमारे टांग का आधार लेंगे या हमारे झूले का, झूला तो झूला है, वो तो अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, तो झूले का आधार लेकर के जैसे उठने जाए तो झूला पीछे फिर गिर, तो हमको फिर झूले को जकड़ के उनकी सुविधा के लिए स्थिर रखना पड़ता है कि जब तक कि ये फिर से वर्टिकल हो जाए तब तक इस झूले को स्थिर पकड़ करके रहो। तो हनुमान जी राम जी के सामने बैठे हैं तो बिल्कुल पालथी मार करके नहीं बैठे, वो जब अकेले बैठे होते हैं भजन के लिए बैठे होते हैं तब आप ध्यानस्थ हनुमान जी का दर्शन करते हैं, तब बिल्कुल पालथी लगाए, भजन कर रहे हो पालथी लगाए हुए हनुमान जी, लेकिन राम जी के समक्ष बैठे हो दास हनुमान तो बिल्कुल अलर्ट, हाथ जोड़े, मस्तक झुकाए, कान चौकन्ने, भगवान से एक भी आज्ञा निकले और तुरंत उठकर
जी प्रभु, काम में लग जाए, सेवा में लग जाए,